नमस्कार दोस्तों, बीआर शो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा डीडीए का सोसाइटी फ्लैट लेके आया हूँ जिसको आप बहुत ही बढ़िया 3 BHK फ्लैट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इवन इसको एक्सटेंड करके एक्चुअली एक 4 BHK फ्लैट या 5 BHK में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो वीडियो के एंड तक बने रहने पे आपको पता लग जाएगा। वैसे ऑन पेपर क्या है, वैसे ऑन पेपर MIG फ्लैट है जो कि आपको DDA यानी कि किसी भी गवर्नमेंट बैंक से लोनेबल ये प्रॉपर्टी आपको मिलती है और बालकनी से कुछ ऐसा व्यू मिलेगा आपको। आइए प्रॉपर्टी दिखाते हैं, एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में क्लियरली एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाइए। आइए फ्लैट देखते हैं। एक टिपिकल DDA फ्लैट का लेआउट यही होता है कि हर फ्लोर पे आपको 2 फ्लैट मिलते हैं। स्टेयरकेस लेकर आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस फ्लैट का लेआउट दिखा देता हूँ। इस तरह का फ्लैट आपने शायद पहले नेताजी सुभाष अपार्टमेंट में भी देखा होगा, बिल्कुल इसी तरह का लेआउट होता है उसमें, जिसके अंदर 3 बड़े बड़े रूम्स होते हैं। उसमें से एक रूम को आप हॉल की तरह यूज़ करते हैं और 2 बचे हुए रूम्स को बेडरूम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप इसमें से एक रूम को भी तीसरे रूम की तरह यूज़ करते हैं यानी कि हॉल ना यूज़ करते हुए, तो डेफिनेटली आप इसको एक 3 BHK प्रॉपर्टी की तरह ओरिजिनल लेआउट में भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो प्रॉस्पेक्ट ये बनता है इसके अंदर। यहाँ जहाँ हम खड़े होते हैं ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट के आसपास का एरिया होता है, 8 या 9 फीट के आसपास, 9x9 का ऐसे, जिससे आप सारी की सारी चीज़ों को एक्सेस करते हैं। आपका लिविंग हॉल, एक्चुअली जिसको लिविंग हॉल बोला जाता है वो भी एक रूम जैसा ही होता है। उसके बाद बेडरूम नंबर 1 किचन, देन योर बेडरूम नंबर 2। ये हमारा टिपिकल लेआउट है। यहाँ पे 9x9 का ये वाला एरिया छोड़ने के बाद में सबसे पहले आते हैं इस तरफ, जो सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा रूम है वैसे तो, लेकिन ओरिजिनल लेआउट के अनुसार इसी को लोग मास्टर बेडरूम या फिर मास्टर हॉल की तरह यूज़ करते हैं। इसका जो लंबाई चौड़ाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट 14 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये लगभग 12 फीट है। तो 14x12 के आसपास का एरिया मिलता है हमें इस वाले प्लेस पे। और यहीं से आप जो बड़ी बड़ी विंडोज़ देखते हैं इसको भी लोग थोड़ा बहुत एक्सटेंड करते हैं आगे, तो आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है यहाँ पे। एक बार हल्का आगे आइए। जो हमारा ये वाला डोर है, इस डोर को लेकर आप बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं, और जो साथ में रूम बना हुआ है उससे भी आप इस बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। इस बालकनी के अंदर आते ही आपको काफ़ी बढ़िया व्यू और काफ़ी बढ़िया स्पेस दिखेगा। जी हाँ, यहाँ से यहाँ तक लगभग 11 फीट चौड़ाई देखते हैं तो ये जाएगी हमारी अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट के आसपास, 8 फीट के आसपास। नीचे देखते हैं तो बढ़िया आपको चौड़ा चौड़ा रोड दिखेगा, और नीचे दिखा देते हैं। नीचे देख लीजिए, नीचे आप आराम से अपनी गाड़ी वाड़ी लगाएंगे तो दिखेगी यहाँ से, और अगली बिल्डिंग और आपकी बिल्डिंग के बीच में करीब 60 फुट का फासला तो है। ये आप देखते हैं काफ़ी ग्रीन सा माहौल मिलेगा हमें, और आप समझ सकते हैं क्यों मैं कह रहा था कि इस वाली बिल्डिंग को या फिर इस वाले फ्लैट को हम किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। दूसरी अच्छी चीज़ क्या होती है, इन बिल्डिंग्स के जो रूम्स होते हैं, इन जो फ्लैट्स के अंदर किसी भी दीवार पे आप छेद कर दो, उसके बाद एसी की स्प्लिट यूनिट निकाल दो, वेंटिलेशन के लिए कोई विंडो बनानी है बना दो, ये सब ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ के अंदर होती है। बिकॉज दीज आर DDA के सोसाइटी फ्लैट्स जो कि नक्शा पास होते हैं, गवर्नमेंट बैंक से लोनेबल होते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। ये साइज़ मिलता है अपने को लगभग 10 फीट के आसपास, तो ये मैं रूम समझ के चलता हूँ कि 10x10 का रूम होगा हमारा, या 11x11 का होगा, इसके बीच में होगा। एंड वेंटिलेशन इधर भी बहुत अच्छी है, इधर भी बहुत अच्छी है। उसके बाद आ जाइए, अभी आप ये पूरा लेआउट गौर से देखते रहिए, क्योंकि सिमिलर लेआउट हम इसके छत पे भी बना सकते हैं। बनाना है नहीं बनाना है वो आपकी कॉल है। ये देखिए, ये आपको मिलती है 7 फीट की किचन, 7 फीट चौड़ाई में, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखती है 9 फीट, तो 7x9 का स्पेस है इसमें। इस पूरी प्रॉपर्टी में आपको काम करवाना ही होगा, लेने के तुरंत बाद आपको काम करवाना ही करवाना पड़ेगा, पुराने DDA फ्लैट्स होते हैं ये। यहाँ पे आप देखते हैं एक विंडो, उसके बाद थोड़ा आगे आते हैं तो ये हमारा वॉशरूम प्लस बाथरूम स्पेस है, 4x4 का वॉशरूम एंड 6x6 का बाथरूम स्पेस, नहाने का और नहाने धोने का प्रबंध है वहाँ पे आपका। उसके बाद ये हमारा थर्ड रूम आता है, रूम नंबर 3। तो इसी
रूम को आप चाहें तो अपने बेडरूम टू के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा होगा दिमाग में, छत देखने के बाद सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट रूम है हमारा, 11 फीट ऐसे दिखता है अपने को, एंड नहीं ये इवन 12 फीट है ऐसे, और ऐसे 11 फीट है, तो 12x11 का है। इसमें भी आप ये वाली दीवार के ऊपर बढ़िया वेंटिलेशन बना सकते हैं। सामने की ओर देखते हैं तो आपका वार्डरोब का स्पेस बना हुआ है, इसमें अपने को काम कराना पड़ेगा। ये देख लिया आपने ओरिजिनल लेआउट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। छत पे क्या किया जा सकता है, आइए लेके चलते हैं आपको छत पे। लेकिन छत पे हो रही है धूप, तो सारी चीज़ें मैं एक बार क्लोज कर क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ पे ये ओरिजिनली एक MIG फ्लैट है, MIG यानी कि 2BHK प्रॉपर्टी, जिसमें से ये वाला रूम जो है कायदे से हॉल बनना चाहिए, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 एंड योर हॉल, किचन एंड वॉशरूम बाथरूम। लेकिन आप चाहें तो इसे 3BHK के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3, ये आपकी किचन, लिविंग हॉल कॉम्प्रोमाइज्ड खत्म, उसके बाद पीछे वॉशरूम बाथरूम। लेकिन ओरिजिनल लेआउट रहेगा, आपको कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी पड़ेगी। रूफ के ऊपर लोगों ने कंस्ट्रक्शन की हुई है यहाँ पे, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करते अपना छत पे मस्त गमले वमले लगाइए, छत पे क्यारी लगाइए, पौधे लगाइए, छत पे कैसा स्पेस मिलता है, कैसा व्यू मिलता है, आइए देखते हैं। ये स्टेयरकेस लेते ही बस आपको कुछ जीने चढ़ने हैं, हार्डली 10 पैड़े के आसपास होंगे जिनको आप लेकर पहुंच जाते हैं छत पे। अब ये हमारे राइट साइड वाले फ्लैट की छत है और इसका ताला मैंने जस्ट अभी ओपन किया है, आइए देख लीजिए एक बार। सो दोस्तों, ये है आपका फ्लैट का छत। इस छत के ऊपर आप जो भी गतिविधि करना चाहें कर सकते हैं, एक बार इधर घूम के देख लीजिए। ये हैं नीचे के फ्लोर्स की टंकियां, जब आप यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन करते हैं तो इन टंकियों को और ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये इसका प्रॉस्पेक्ट है, आइए वापस चलते हैं छांव में वरना हमारा फोन गर्म हो जाएगा। ओके, आज मैं यहाँ क्लोजिंग करूँगा। सो दोस्तों, ये था हमारा फ्लैट, नीचे फ्लैट देखा, ऊपर छत देखा, अभी छत के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं वो आप वैसे भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं। जो लोग DDA खरीदना चाहते हैं उसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है आपको सब कुछ पता ही है। बाकी इस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है और प्रॉपर्टी का कोड यहाँ पे मेंशन है, नंबर्स यहाँ पे मेंशन है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।